Welcome to our YouTube channel, दोस्तों. Today we are going to tell you about how to write English paragraph on English essay on marriage. विवाह, marriage, इस पे दोस्तों आज हम आपको English में paragraph writing बता रहे हैं कैसे आप लिखेंगे. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. Marriage is a sacred bond. विवाह एक पवित्र बंधन है. Marriage is a sacred bond. Marriage is a bond between विवाह एक पुरुष और महिला के बीच एक बंधन है. Marriage is a bond between a man and female. Man and a woman, sorry. Marriage is a bond between a man and a woman. Woman. विवाह एक पुरुष और महिला के बीच का एक बंधन है. ये बंधन प्यार, सहिष्णुता और समर्थन का बंधन है. These bonds are the bonds of love, tolerance and support. Marriage entering a new stage of social progress. विवाह सामाजिक उन्नति को नए चरण में प्रवेश करना है. Marriage entering a new stage of social progress. In marriage, where two loving people join in a new relationship. विवाह में जहाँ दो प्यार करने वाले लोग एक नए रिश्ते में जुड़ जाते हैं. मैरिज इन मैरिज वेयर टू लविंग पीपल ज्वाइन इन अ न्यू रिलेशनशिप. विवाह में जहाँ दो प्यार करने वाले एक नए रिश्ते में जुड़ जाते हैं जो इस संसार के लिए बहुत ज़रूरी है. विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दिस वर्ल्ड. विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दिस वर्ल्ड बिकॉज बाई द बॉन्ड ऑफ जो कि संसार के लिए बहुत जरूरी क्योंकि विवाह के बंधन से एक स्त्री और एक पुरुष एक साथ आते हैं और जिससे एक नए परिवार का निर्माण होता है. बिकॉज बाय द बॉन्ड ऑफ मैरिज अ वूमेन एंड अ मैन कम टुगेदर एंड from which a new family is formed. क्योंकि विवाह के बंधन से एक स्त्री और एक पुरुष एक साथ आते हैं जिससे एक नए परिवार का निर्माण होता है. Which a new family is formed. Because by the bond of marriage, a woman and a man come together and from which a new family is formed, which helps the world to move forward. जो इस संसार को आगे बढ़ने में मदद करता है. इसलिए इस रिश्ते को ऐसे ही बरकरार रखने के लिए उस रिश्तों में जुड़ने वाले दो लोगों में एक दूसरे को समझने की क्षमता होनी चाहिए. Therefore, to maintain this relationship, therefore, to maintain this relationship as it is, the two people involved in that relationship should
हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इच अदर. Therefore, to maintain this relationship as it is, the two people involved in that relationship should have the ability to understand each other. इसलिए इस रिश्ते को ऐसे बरकरार रखने के लिए उस रिश्ते में जुड़ने वाले दो लोगों में एक दूसरे को समझने की क्षमता होनी चाहिए. There should be a lot of love for each other. एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार होनी चाहिए. There should be a lot of trust. एक दूसरे पर बहुत विश्वास होना चाहिए. There should be a lot of trust in each other. एक दूसरे पर बहुत विश्वास होना चाहिए, जो इस रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है, which is very important. जो इस रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है, which is very important for this relationship. Next पेड़ आते हैं दोस्तों. Marriage has been given an important. समाज में विवाह को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है. Marriage has been given an important place in the society. विवाह मनुष्य जीवन के लिए बहुत अहम है, क्योंकि संसार को आगे बढ़ाने के लिए विवाह बहुत महत्वपूर्ण है. Marriage is very important for human life. Because marriage is very important for the progress of the world. तो दोस्तों ये था मैरिज पे इंग्लिश पैराग्राफ राइटिंग कैसे आप लिखें.